इंस्टाग्राम पर अगर आप रील्स काफी ज्यादा देखते हैं यानी स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रहते हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि इंस्टाग्राम में जल्द ही एक ऐसा फीचर आने वाला है जिससे कि आप किसी भी अपने मनपसंद रील्स को डाउनलोड कर पाएंगे सीधे अपनी गैलरी पे एक टैप करके। बट डू यू नो देयर इज अ कैच दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट्स दैट, चलिए समझते हैं। इंस्टाग्राम के हेड ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में कि इंस्टाग्राम अभी ऐसे फीचर पर वर्क कर रही है जिसके थ्रू यूजर सिंपली एक बटन को टैप करके किसी भी रील्स को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रील्स को डाउनलोड करने के लिए उस लिंक को कॉपी करना होता है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाना होता है या ऐप को डाउनलोड करना होता है और उसमें लिंक को कॉपी और पेस्ट करके सिंपली उसे डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, बहुत झंझट वाली चीज है। लेकिन अब इंस्टाग्राम एक डाउनलोड का बटन प्रोवाइड करेगी जो कि आपको शेयर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा जिसे सिंपली टैप करके आप किसी भी रील्स को डाउनलोड कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी सिर्फ US में अवेलेबल है यानी अदर किसी भी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया आपको ये फीचर अभी देखने को नहीं मिलने वाला। अभी इसकी टेस्टिंग चलेगी, अगर ये सक्सेसफुली हो जाए तो ये ग्लोबली आउट हो जाएगी। सेकंड चीज ये कि ये अभी सिर्फ पब्लिक अकाउंट में काम करेगी, प्राइवेट अकाउंट में इसका एक्सेस देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप अपना अकाउंट प्राइवेट करके रखते हैं तो ना कोई आपके रील्स को डाउनलोड कर पाएगा ना आप किसी के रील्स को डाउनलोड कर पाएंगे, यानी सिर्फ पब्लिक अकाउंट ही इस फीचर का एक्सेस कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको एक प्राइवेसी कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका मतलब है आप इस फीचर को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। आप कंट्रोल कर पाएंगे कि आपके अकाउंट से कोई भी रील को डाउनलोड कर सकता है या नहीं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये इसी एक स्पेसिफिक रील को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप इसे टर्न ऑफ करते हैं तो सारे रील्स को कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा ना आप कर पाएंगे। वेल तो ये था एक छोटा सा अपडेट, आपको क्या लगता है इस फीचर के बारे में? भाई मुझे तो सबसे पहली चीज इन लोगों के लिए खराब लग रही है कि लाइक जो इंस्टाग्राम के डाउनलोडेड टूल्स और एप्लीकेशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, देखो मैंने भी एक वेबसाइट बनाई है तो मुझे भी पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या लगता है, तो उन सभी का बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाने वाला है क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई डाउनलोड कर लेगा तो कोई किसी थर्ड पार्टी सर्विस में क्यों ही जाएगा, राइट? वेल आप मुझे बताइए कि आप इस फीचर के बारे में क्या सोचते हैं, आप इसका यूज करेंगे या नहीं? वेल रील्स देखते हो तो ऑब्वियसली यूज करोगे। वेल ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।